जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। कितना शोर करते हैं बंदर कहीं के। आदत से मजबूर। मुझे जाने दो ना। जरूर जाने दूंगा, बस एक बार तेरे बंदर साथी मेरा कहना मान ले छुटकू मल। देखना भागे ना। मुझे मत सिखा क्या करना है तबाकी। बंद कर अपने चोंच जैसे मुंह को। वो मैनी को खाएगा तो नहीं ना? हाँ, अगर वो उसका कहना मानेंगे तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। पर इस शेर खान को उस इंसानी बच्चे का लॉकेट क्यों चाहिए? ये मुझे कैसे पता, पर अपने बेटे को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वैसे उस लॉकेट को हासिल करने की कोई खास वजह शेर खान? वजह तो सिर्फ मोगली ही है। जब वो बंदर उससे लॉकेट चुराएगा तो वो उसे वापस लेने जरूर आएगा, जहां मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस चूजे को गुफा में ले जा और देखना ये बच के ना जाने पाए तबाकी, वरना सोच लेना। देखना मोगली, मुझे ध्यान से देखो, शहद पाने की मशक्कत। बलू, तुम्हें काम मुझ पर छोड़ देना चाहिए था। मैं पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता हूँ और टहनी टूटने का खतरा भी नहीं होता। पर तुम्हें वो काट सकती है। हम भालुओं की त्वचा पर बाल होते हैं, वो हमें नहीं काट सकती। पर मैं तो फुर्तीला हूँ ना। ये लड़का बस अपनी गलतियों से सीखना चाहता है। अरे नहीं, हटो, हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। मैं पपीता लेकर आता हूँ, मधुमक्खियों के काटने पर इसे वो। मुझे मधुमक्खियों ने नहीं काटा, मेरा लॉकेट चुरा लिया है। दो बंदर आए और मेरा लॉकेट लेकर चले गए। मोगली, अब तुम कहाँ चल दिए? ठंडी गुफा के खंडरों में। मैं अपना लॉकेट वापस लेने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, वो बंदर बड़े शैतान हैं। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जब तक शेर खान नहीं आता, हम दोनों यहीं रुकेंगे दोस्त। अरे नहीं नहीं, अब आंसू मत बहाना। रोना ठीक बात नहीं होती। अरे एक बार मम्मी पापा के पास चले जाओगे तो पेट भर के पानी पी लेना। मुझे अभी चाहिए। ठीक है बाबा, रोना बंद कर, चल नदी में पानी पीने चलते हैं। देखो, मोगली का लॉकेट वापस कर दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। वो हमारे पास नहीं है। झूठ मत कहो, तुम्हारे पास ही है। मुझे वो वापस चाहिए। बस बहुत हुआ, अब जिद मत करो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रुको, बलू,
बलू, वो तो हिल ही नहीं रहा बघीरा, मुझे अभी के अभी नीचे जाना होगा। ये मजबूत बेल, इससे काम बन जाएगा। इसके सहारे नीचे जाकर उसे बांध दूंगा और फिर उसे ऊपर खींच लेंगे। हम खींचेंगे? मोगली, बलू को नाजुक कली मत समझो। अरे ये बंदर हमारी मदद करेंगे ना? ये करेंगे। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? शेरखान, शेरखान, ये रहा मोगली का लॉकेट, यही चाहिए था ना? अब मुझे वजह समझ आई। अब तो मैनी को लौटा दोगे ना? वो बाद में देखेंगे, पहले मुझे अपना काम तो करने दो। लो, बुझा लो प्यास। अभी मुझे प्यास तो नहीं लग रही है, पर अभी मुझे भूख लग रही है। वो शेर खान की गुफा में एक आध हड्डियाँ पड़ी होंगी। लेकिन मैं हड्डियाँ नहीं खाता। पर मेरे पास खिलाने के लिए वही है। मुझे हड्डियाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैंगो। अरे बाबा रो मत, बोल क्या खाएगा। मैंगो। मैं पहुंच नहीं पा रहा, मुझे ऊपर जाने दो। अरे जाना चिल्लाओ शैतान, पर एक आम खाना और सीधे वापस आना तबाकी अंकल के पास, ठीक है? एक आम में इतना टाइम लगता है क्या? मेरे पास आ जाओ बरखुरदार, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा। पर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। निकल गई सब हेकड़ी, इतना ही करना काफी है। अब मेरी भूख और मत बढ़ा इंसानी बच्चे। देखो भाई देखो, मोगली के दिन पूरे हो गए। मोगली जाओ और उस गड्ढे में कूदो जहां बलू गिरा है। नहीं शेर खान, ऐसा मत करना। नहीं, आप लोग यहीं जाओ, तुम यहीं रुको। रुक जाओ शेर खान, वरना मेरा दोस्त हादी तुम्हें अपने पैरों से कुचल देगा और तुम्हारी चटनी बन जाएगी। जाओ शेर खान, वरना जो छुटकू ने कहा वही होगा। मैनी, तुम आ गए? ओ मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? मम्मी, मुझे शेर खान के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने अपने दोस्त हाथी की मदद ली। ओ, बलू, बलू, बलू अंदर है वहाँ, शायद उसे गहरी चोट आई है। तुम फिक्र मत करो। अरे नहीं, मोगली हमारा दोस्त, बलू तो। क्या कह रहे हो बघीरा? ओह बलू। मोगली, ये लॉकेट तुम्हारा है ना? शुक्रिया मैनी, तुम्हारा भी शुक्रिया हाथी, तुम
तुम सभी का शुक्रिया। मैनी, अब हो गया, सारे आम चट करोगे क्या? नीचे आओ मैनी। शेर खान, तबाकी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैनी को भूख लगी थी तो उसे पेड़ पर आम खाने भेजा है, बस अभी नीचे आता होगा। नहीं, वो नहीं आएगा। आएगा ना, आओगे ना मैनी? अब आ भी जा, साल भर के आम आज ही खाएगा क्या? मैनी, अब आ भी जा।